है, कैपिटल लेटर ही लिखते हैं। तो किसी का भी आपको नेम लिखना हो, अपना, अपने फ्रेंड का, मदर का, फादर का, किसी का भी नेम लिखना हो, वहाँ पर आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर ही लिखना होगा। नेक्स्ट आपका आता है माय स्कूल नेम इज़। ऑब्वियसली आप SKD स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ अपने स्कूल का नेम फिल करना है, SKD पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट आपका आता है माय मदर्स नेम इज़। तो यहाँ आपको अपनी मम्मा का नाम लिखना है, मम्मा का नाम, आपकी मम्मी का नाम क्या है वो आपको लिखना है। और उस ध्यान रहे, मम्मा के नाम से पहले आपको मिस्टर मिसेस जो भी आप लगाते हैं, मम्मा के नाम से पहले लगाएंगे मिसेस और फादर के नाम से पहले लगाएंगे मिस्टर, तो ये लगाना कंपलसरी है, ये लगाएंगे। और फिर वही इस चीज़ को ध्यान रखें कि जैसे आपने अपना नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है, उसी तरीके से आपको मम्मा का और फादर का, दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना ही होगा। और नेक्स्ट जो आपके लेटर्स आएंगे वो सब स्मॉल में आएंगे। और इसी तरीके से आपका ये कंप्लीट होते हुए, ये यहाँ आपका लास्ट है, माय फादर्स नेम इज़। जिस तरीके से आपको मम्मा का नाम लिखा है, उसी तरीके से आपको अपने यहाँ पे फादर का नाम लिखना है। फिर वही चीज़ मैं ध्यान दिला रही हूँ कि पापा के नाम से पहले आपको मिस्टर लगाना कंपलसरी है। तो बेटा ये आपका सेकेंड डे का आपका होमवर्क है, जो आप, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसे आप घर बैठ कर आराम से साफ़ सुथरे राइटिंग में, 4 लाइन की नोटबुक में करें। और हाँ, ये हर बच्चा इस वर्क को करे, कोई भी बच्चा ये ना सोच के बैठे कि हाँ वर्क हो गया, कर लेंगे, अभी नहीं, कोई नहीं चेक हो रहा, हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके स्कूल ओपन होते ही आपका सबसे पहले होमवर्क ही लिया जाएगा, उसके बाद कुछ आगे काम किया जाएगा। तो इसीलिए इस भ्रम में बिल्कुल ना बैठें कि होमवर्क हमें नहीं करना है। ये होमवर्क आपका कंपलसरी है, डे टू डे होमवर्क आपको इसी तरीके से आगे मिलता रहेगा। तो ओके, बाय, थैंक यू।